नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं सिकंदर शेख और अजय पहलवान की कुश्ती। बहुत ही रोमांचकारी कुश्ती होने वाली है, जिसे देखकर आपका दिल रोमांचित हो उठेगा। जी हाँ, बहुत ही शानदार और गजब की कुश्ती, और पूरी वीडियो देखना, आपको मजा आ जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से दोनों पहलवानों ने कुश्ती किया है, और इस कुश्ती को देखकर आज आप कहेंगे कि बाकी ये दोनों पहलवान किसी महाबलियों से कम नहीं है। सिकंदर शेख और अजय पहलवान की कुश्ती देखने के लिए लाखों की संख्या में दर्शक मौजूद थे। दोनों पहलवान मैदान में अपने अपने जोर की आजमाइश करते हुए, दोनों पहलवान किसी से कम नहीं, आज देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। सिकंदर शेख पहलवान बड़े पहलवानों की सूची में शामिल हो चुका है, और आज सिकंदर शेख महाराष्ट्र की शान, पूरे देश में अपना नाम का सिक्का चमका रहा है। सिकंदर शेख की कुश्तियां लोग बड़े चाव से देखते हैं, और सिकंदर शेख की फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सिकंदर शेख की कुश्ती देखने के लिए लोग बड़े बड़े दूर से आते हैं। सिकंदर शेख पहलवान और अजय पहलवान के बीच आज दमखम क्या रंग लाएगा, पूरी वीडियो देखना। तो दोनों पहलवान अपने अपने जोर की आजमाइश करते हुए, दोनों किसी से कम नहीं, दोनों पहलवान अपने अपने दांव लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं, पर अभी तक कोई फैसला नहीं। दोनों पहलवान उच्च कोटि के पहलवान, जाने माने नाम, बड़े पहलवानों की सूची में ये कुश्ती, पूरा स्टेडियम, पूरे दर्शकों की नजरें इन दोनों पहलवानों के ऊपर टिकी हुई हैं। तो देखते हैं आज किसके नाम जीत का शहरा बजता है और कौन आज हारता है। दोनों पहलवानों को हराना बच्चों का खेल नहीं, दोनों ही बड़े ही माहिर दंगल के खिलाड़ी हैं, जिनके लोग दीवाने हैं। पहलवानों की कुश्ती के दीवानी है दुनिया, और ऐसा मानने को आ रहा है कि सिकंदर शेख की कुश्ती देखने के लिए लोग 200 किलोमीटर तक का सफर तय कर देते हैं लाइव कुश्ती देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप भी पूरी कुश्ती देखो और कैसे पहलवान अपने अपने जोर की आजमाइश करते हैं। जेवढा वेळ चालली तेवढा वेळ लोकांना बघायला आवडते। बऱ्याचदा आपण बघतो की व्हिब्रेशन असते ह्या कुस्तीला, डाउनलोड करून आपल्या चॅनल टाकू नये। दिवाळी सारखं वाटायले, दिवाळी हे कसाब आणि हे कौतुकजन। तो दोस्तों, दोनों पहलवान अपने अपने जोर को लगा रहे हैं, एक दूसरे को गिराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर दोनों पहलवान किसी से कम नहीं।
अब देखते हैं आज की कुश्ती किसके नाम होती है। दर्शक पूरी टकटकी लगाए हुए इन पहलवानों की कुश्ती का आनंद ले रहे हैं। महाराष्ट्र की धरती पर चल रहे इस दंगल को देखने के लिए बड़े बड़े दूर से लोग आए हैं और धन्य है ये महाराष्ट्र की धरती जहां बड़े बड़े पहलवान जन्म लिए हैं और सिकंदर शेख महाराष्ट्र की शान जिसकी कुश्ती की दीवानी है दुनिया। जी हां, पूरे भारत के लोग सिकंदर शेख की कुश्ती बड़े चाव से देखते हैं। सिकंदर शेख की कुश्ती देखने के लिए लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। दोनों पहलवान अपने अपने दम का प्रदर्शन करते हुए तो आप एक दूसरे को मिट्टी लगाते हुए पहलवान और अभी तक कोई फैसला नहीं। अभी कुश्ती में थोड़ा रोमांच देखने को मिलेगा। अब पहलवान थोड़े फुर्तीले अंदाज में चलने को तैयार हो चुके हैं। दोस्तों पहलवान अपने अपने दाम की लगाने की कोशिश कर रहे हैं और दाम लगाने की पूरी कोशिश पूरे फुर्तीले अंदाज से सिकंदर शेख ने पकड़ लिया है पहलवान की और पहलवान को नीचे गिरा दिया है और पहलवान उठने की कोशिश करते हुए शेख पहलवान को पूरा जोर लगाते हुए पहलवान देखते हैं कि आज अब सिकंदर शेख ने पहलवान से पहलवान को दबोच लिया है क्योंकि अजय पहलवान का नीचे है और कोई फैसला नहीं है। पहलवानों ने सिकंदर शेख अपने में खेल रंभ कर दिए हैं। पूरी कोशिश की जा रही है पहलवान और इसके साथ ही नीचे लगाने की पर दोनों पहलवान किसी से कम नहीं। शेख ने पकड़ मजबूत कर ली है और अभी कोई दोनों पहलवान अपने अपने दम लगाने की तैयारी में है। लगता पहलवान थोड़े लगते हैं और जहां दोनों बराबर पहलवान हो उसकी में समय तो आपको लगाने की कोशिश में जुटे हैं और आज पहलवान ने बड़ी अच्छी तरह से पकड़ बनाई हुई है। सिकंदर पहलवान को कहीं ना कहीं दोनों पहलवान एक दूसरे के आगे बेवस हो जाते हैं। ऊपर कसकर पकड़ बनाते हुए पहलवान कुश्ती बड़ी मजेदार कुश्ती रही। आज कुश्ती लाखों की संख्या में दर्शक पूरे टकटकी लगाए हुए नजर की ओर गड़ी हुई है और दोनों पहलवानों की ओर टकटकी लगाए हुए तो आप देखते हैं कि आज क्या होता है, आज क्या होने वाला है क्योंकि दोनों पहलवान बड़े ही खतरनाक पहलवान हैं। बड़े पहलवान भारत के बड़े पहलवानों की सूची में आते हैं ये दोनों पहलवान। अब सिकंदर शेख थोड़ा उठ खड़े हुए थे पर ये दूसरा पहलवान भी किसी से कम नहीं। सिकंदर के ऊपर तगड़ी पकड़ बनाए हुए पहलवान ने सिकंदर को अब ये उठने नहीं दे रहा है। लगता है जब पहलवान सिकंदर को उठाने की कोशिश अभी रेफरी साहब आते हुए दोनों पहलवानों को बीच में करते हुए अब देखते हैं दोनों पहलवानों की कुश्ती रुकती हुई। सिकंदर शेख और दूसरा पहलवान अपने अपने दाव लगाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। देखते हैं सिकंदर शेख क्या आज अपना दाव लगा पाएंगे।
क्योंकि सिकंदर शेख के साथ आज कड़ा मुकाबला। सिकंदर शेख को मिल गया है आज टक्कर का पहलवान। दोनों पहलवान बराबरी के हैं, अभी कुश्ती का कोई फैसला नहीं। दोनों पहलवान अपने अपने दाम लगाने की कोशिश कर तो रहे हैं, पर पहलवान एक दूसरे को विफल कर देते हैं। तो देखते रहिए दंगल दंगल दंगल, महाराष्ट्र की धरती पर इस दंगल को देखने के लिए लाखों की संख्या में दर्शक मौजूद। बहुत ही शानदार दंगल चलते हुए, दोनों पहलवान किसी से कम नहीं। दंगल की वीडियो देखते रहिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, और अपनी राय कमेंट में जरूर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और भी दंगल की वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। तो मित्रों देखिए, अब सिकंदर शेख थोड़ा फॉर्म में आ चुके हैं और अपना दाम लगाने की कोशिश में। सिकंदर शेख पहलवान आज जर कुस्ती होईल तर आपल्याला लक्षात येईल सुंदर गुजर आणि पहलवान सारखे होणार राजावळे 22 वर्षे झाले चार दिवस पदा या संगीतावरती 19 माणसाचा फोटो जतन केलेला आहे। दोस्तों दोनों पहलवान किसी से कम नहीं, दोनों बराबरी के पहलवान हैं। अभी कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। महाराष्ट्र के इस मैदान में चल रहा दंगल बहुत ही शानदार है, और दोनों पहलवान किसी से कम नहीं, दोनों बराबरी के पहलवान। बराबरी के टक्कर में आज सिकंदर शेख के लिए एक टक्कर का पहलवान मिला है। दोनों बराबरी के पहलवान, देखते हैं आज कौन जीतता है। एक महिना या कुस्त्या जोडायचं काम केलेलं आहे, जिथे अडचण येईल ते वेळा मला फोन करायचा, मग संजय पाटलाने त्यांना सांगितलं थोडं शांत राहा, तुमच्यासाठीच मागची लोक वराड कसा बस थोडस कार्य करा धन्यवाद। 8:30 to 9:30 झाला, 12 वाजले असते ठरलं होतं, 9:10 to 9:10 कार्यक्रम आहे आणि तेवढा कार्यक्रम अतिशय सुंदर पार पडलेला। किती कुस्त्या 200 पैलवान खतरनाक अशी कुस्ती चालू आहे, कोणा एकेरी पाठ कोणा खालून निघण्याचा प्रयत्न, एकला कुस्ती